हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर फ्लाइटों को लेकर कई सारी ज़रूरी खबरें सामने आ रही है। हम आगे इस वीडियो में आ रहे इन सारी खबरों की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आ रहे इन सारी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको मिल सके। पहली बड़ी खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ गई है। तो आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस अब दुनिया के कई सारे देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है, जिनमें शामिल है श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके अलावा मालदीव। तो यदि आप इन देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर इसको लेकर एक पूरी डिटेल गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन को पढ़कर आप इन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर यूके की तरफ से आ गई है। तो आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा अब यहाँ पर एम्बर लिस्ट और ग्रीन लिस्ट वाली नई कंट्री की लिस्ट अपडेट कर दी गई है। हम सभी को यहाँ पर ये उम्मीद थी कि यूके की सरकार भारत को रेड लिस्ट की कैटेगरी से हटाकर एम्बर लिस्ट की कैटेगरी में डाल देगी, लेकिन अभी भी यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट की कैटेगरी में ही डाला हुआ है। यानी कि यदि आप भारत से ट्रैवल करके यूके में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद आपको 10 दिन कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे तो अब आपको वहाँ पर जाने के बाद कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के ही मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए तो उनके लिए यहाँ पर अभी भी सेम वही नियम है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर अपने आप कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि पहले 48 घंटे पहले हुआ करता था। इसके अलावा अगली और आखिरी खबर यहाँ पर यूएई की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि यूएई की सरकार अब फिर दोबारा से अपने यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर आ रही है, और ये जो नया लॉकडाउन लागू किया जाएगा ये 19 जुलाई से लागू हो जाएगा। यानी कि 19 जुलाई के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, केवल कुछ ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए ही वो लोग अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि इस समय यूएई में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसी कारण से यूएई की सरकार ये नया लॉकडाउन का नियम लेकर आई है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आ रही थी इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।